हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांज भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे जो मार्केट पे देख रहे हैं कि आज भी इतनी ज़्यादा जो गिरावट आई है मार्केट पे, उसमें हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है। ये मार्केट और नीचे जा सकती है या नहीं जा सकती है, या अब यहाँ से हम एक अपसाइड देखेंगे या नहीं देखेंगे। गाइस, कल फ्राइडे को इस वीक, ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते का जो फ्राइडे का सेशन होने वाला है कल 20 सितंबर को, वो दिन डिसाइड करेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूवमेंट कहाँ पर हो सकती है। गाइस, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हम जो कह रहे हैं वो तोड़ चुका है, और अगर हम कल के दिन उसके नीचे क्लोजिंग देख लेते हैं, सो गाइस वहाँ से जो नीचे की सपोर्ट खुल जाएंगे वो बहुत ज़्यादा नीचे खुल जाएंगे और मार्केट और ज़्यादा नीचे जा सकती है और नए लोज बना सकती है। गाइस, जो हमने एक प्रीवियस लो देखा था जो कि 10,650 का था, मुझे लगता है कि वो भी तोड़ देगा अगर कल उसके नीचे जाके वो क्लोजिंग देने में कामयाब हुए निफ्टी बैंक निफ्टी। सो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वो, जाके प्लीज़ देखिए। अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि वो लेवल कौन सा है बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर। आप देख सकते हैं कि 100 दिन का EMA का मूविंग एवरेज तोड़ चुका है, और अगर कल निफ्टी उसके नीचे बंद हो जाता है तो बहुत तेज़ी से नीचे गिरावट आने वाली है, और अगर उसके ऊपर बंद हो जाता है वो लेवल के ऊपर, सो गाइज वहाँ से हम दोबारा एक और मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, जो मूवमेंट हमें एक हफ्ते के अंदर गाइज तुरंत 11,100 तक लेकर चली जाएगी। वो कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ और चार्ट्स में देखते हैं किस तरीके से हमें काम करना है। गाइज, सबसे पहली बात, मैंने आपको निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। निफ्टी का ये मैंने अर्ली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। अर्ली चार्ट पे आप देख सकते हैं एक ट्रायंगुलर पैटर्न है, और ये ट्रायंगुलर पैटर्न का हमने एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमने ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ये एक पैटर्न के अंदर काम कर रहा था पर्टिकुलर निफ्टी। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को ये फेस करके ऊपर की तरफ मूवमेंट दे देता था अपोजिट साइड में। पर आप देख सकते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन पे क्या हुआ, यानी कि वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन पे क्या हुआ, निफ्टी ने ब्रेक कर दिया अपना 10,875 या 10,880 का लेवल, जो इस सपोर्ट की ट्रेंड लाइन थी, जो नेक लाइन थी, उसे ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद हमने देखा कंसोलिडेट उसके नीचे जाके बंद होने में कामयाब हुआ। ये मैं आपको ट्यूसडे का बता रहा हूँ, सॉरी ट्यूसडे को ब्रेक करा था और उसके नीचे जाके हमने कामयाब होते हुए क्लोजिंग देखी। जब हमने देखा था कि बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट की तक की गिरावट आ गई थी, 600-700 पॉइंट तक की गिरावट आ गई थी ट्यूसडे के सेशन पर। उसके बाद वेडनेसडे के सेशन पर क्या हुआ, वेडनेसडे के सेशन पर मार्केट ऊपर गई, और आप देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक गई, सिर्फ 10,880 10,890 तक गई, और उस ट्रेंड लाइन को उसने रेजिस्टेंस की तरफ से टेस्ट करा। आप देख सकते हैं जो पहले नीचे की ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही थी, वही अगले दिन वेडनेसडे की मार्केट पे वो रेजिस्टेंस का बन गई ट्रेंड लाइन, और रेजिस्टेंस फेस करते ही दोबारा आप देख सकते हैं मार्केट ने किस तरीके की हमने एक फॉल देखने को मिली। आप देख सकते हैं एक सीधी फॉल आई है, यानी कि यहाँ से हमने कम से कम 300 पॉइंट की करेक्शन देख ली एक दिन के अंदर अंदर ही। गाइस, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रायंगुलर पैटर्न सपोर्ट दे रहा था। अब हम आते हैं दूसरी बात पर। अब आप देख सकते हैं कि जो ट्रायंगुलर पैटर्न है, ये ट्रायंगुलर पैटर्न का अगर हम रेंज लेकर चले तो ये रेंज जो आ रही है वो आ रही है लगभग 500 पॉइंट की। आप देख सकते हैं कि 10,600 से लेके 11,140, यानी कि लगभग हम मान के चल सकते हैं कि 500 पॉइंट की ये रेंज है। तो अब जो इसने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया है, यानी कि जो इसने 900 का ब्रेकडाउन दिया है, 500 440 450 समथिंग का जो इसने ब्रेकडाउन दिया है, तो अगर हम यहाँ से 400 पॉइंट कम करते हैं तो यहाँ पर जो एक लेवल निकल के आ रहा है वो गाइस लेवल निकल के आ रहा है 10,500 से 10,450 का लेवल। तो यानी कि हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं निफ्टी यहाँ से हमें डायरेक्ट 10,500 से 10,450 तक का लेवल भी दिखा सकती है, अगर वो जो मैं आपको लेवल दिखाऊंगा उस लेवल के नीचे वो बंद हो जाता। और वो लेवल देखिए, जो मैंने आपको अभी 10,450 से 10,500 का जो लेवल बताया है, वो आपको लेवल किस अकॉर्डिंग बताया, जो ये ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है, ये पैटर्न का हमें टारगेट सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से 10,450 से 10,500 जा सकता है। अब कोई और चीज़ है जो हमें सजेस्ट कर सकती है कि वो 10,400 से 10,500 के बीच में जाके बंद हो सकता है निफ्टी? तो गाइस, अब अर्ली चार्ट के बाद अब मैं वीकली चार्ट ओपन करता हूँ। वीकली चार्ट में निफ्टी का ओपन करूंगा। वीकली चार्ट पर अब आप देखिएगा किस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको एक चीज दिखानी थी, जो मेक और ब्रेक इवन पॉइंट लेवल है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो मैंने मूविंग एवरेजेस लगा रखी हैं, एक 50 डे का मूविंग एवरेज है
और यहाँ पर एक 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब आप देख सकते हैं कि निफ्टी किस तरीके से काम कर रही है। मैं जो ट्रेंड लाइन्स है वो ट्रेंड लाइन्स को अभी के लिए हटा देता हूँ। अब आप देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 हफ्ते गाइस, 8 हफ्ते हम मान के चल सकते हैं, यानी कि 2 महीने से निफ्टी इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है गाइस। इस रेंज के अंदर जो रेंज बनी हुई है 50 मूविंग एवरेज और 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो रेंज है उसके नीचे वो कंसोलिडेट कर रहा है। अब आप देखिए गाइस, आपको छोटी चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अब आप देख सकते हैं कि 50 दिन का मूविंग एवरेज का हमने देखा ऊपर शेडो है, मतलब एक टाइम पे इस हफ्ते पे, जो ये हफ्ता है इस हफ्ते पे हमने देखा होगा कि इसने 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग इसके ऊपर गया होगा, पर उसके ऊपर हफ्ते में क्लोजिंग नहीं दी गाइस और मूविंग एवरेज के नीचे ही बन दिया। यहाँ पर भी इस मूविंग एवरेज के नीचे बन दिया, इधर भी मूविंग एवरेज के नीचे बन दिया। हम देख सकते हैं शेडो छोड़ी है, पर आखिरी में जाके हफ्ते की क्लोजिंग पे जाके हम देखते हैं कि वो ऊपर जो ये रेजिस्टेंस है 50 दिन का मूविंग एवरेज, उसके नीचे जाके क्लोजिंग दे रहा है। आप देख सकते हैं लगातार 8 हफ्ते हमने इसके नीचे क्लोजिंग देखी है। अब आप आइए नीचे सपोर्ट की तरफ, यहाँ पर भी इसने इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर जाके। आप देख सकते हैं जब एक करेक्शन आया था जो हमें 650 के लेवल तक ले गया था, वहाँ पर भी हमने देखा था कि हफ्ते के क्लोजिंग देते देते ये उसके ऊपर यानी कि 100 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जाके ही बंद होने में कामयाब रहा। इधर भी रहा, इधर भी रहा। अब आप देख सकते हैं गाइस, ये है हमारा हफ्ता। आप देख सकते हैं जो ये करेक्शन आया था, ये आया था थर्सडे या वेडनेसडे के सेशन के आसपास आया था, तो हमने 2 दिन में इसके ऊपर जाके रिकवरी कर दी थी। पर गाइस आप देख सकते हैं एक्सपायरी के दिन आज हमने देखा ये करेक्शन आया है और जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है जो 10,800 पे है उसके नीचे जाके वो बंद हो चुका है। अब हफ्ते की क्लोजिंग है कल यानी कि फ्राइडे को। सो गाइस अगर ये 10,800 के ऊपर कल बंद नहीं होता है निफ्टी, और अगर हम देखें कि 10,800 हम कह सकते हैं यहाँ शेडो छोड़ के ऊपर चले जाए, पर हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 10,800 का लेवल। अगर ये 10,800 के लेवल के ऊपर जाके बंद नहीं होता या फिर 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके बंद होने में कामयाब नहीं होता और इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ से हम एक डीप डाउन करेक्शन दे सकते हैं और वहाँ से हमें अच्छे खासे लेवल यानी कि जो 200 से 250 पॉइंट तक की करेक्शन निफ्टी और दिखा सकता है गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको कल निफ्टी 10,800 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो गाइस वहाँ पर आप एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, जो आपको दोबारा एक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास या फिर मिड तक, तो मिड लेवल तक तो लेकर चले ही जाएगा एक हफ्ते के अंदर, या फिर आप अगले वीक की एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी, जो अगली वीक की एक्सपायरी तो मंथली एक्सपायरी है सेप्टेम्बर की, तो उसका एक कॉल ऑप्शन भी बाय करके चल सकते हैं। लेकिन जब ये इस 100 दिन के मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कल क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तभी, तब वरना आप क्या कर सकते हैं, वरना आप कर सकते हैं कि गाइस एक स्ट्रैटेजी और आप फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है कल ये एक 10,800 के तरफ बढ़ने की कोशिश करे, उस लेवल तक जाए, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आपको बताया था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ गाइस, एक सेकेंड। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से इसने दोबारा एक बार लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करी और ये दोबारा नीचे चला गया। आप देख सकते हैं, सॉरी, ये लेवल था, यहाँ से इसने करेक्शन दी थी इस लेवल से, एक सेकेंड। ऐसे मैंने भी आपको आली चार्ट में ट्रेंड लाइन्स में दिखाया था, नीचे करेक्शन दी, एक बार ऊपर बाउंस बैक दिया, यहाँ पर हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी और दोबारा नीचे ही आ गया। तो गाइस उसी तरीके से क्या हो सकता है, अगर आप एक रिस्क ले सकते हैं तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हो ये सकता है कि अगर निफ्टी को नीचे गिरना है तो हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि दोबारा ये निफ्टी 10,800 के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करे, ये वही रेजिस्टेंस जो इसका पहले सपोर्ट था उसको रेजिस्टेंस फेस करे, वहाँ पर हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी या शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी दे और आप पुट ऑप्शन के थ्रू 10,500 तक कभी लेवल हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जो हमें ट्रायंगुलर बेसिस पैटर्न के ऊपर हमें जो टारगेट बता रहा था उसके बेसिस पे। अब वीकली चार्ट है तो वीकली चार्ट पे मैंने एक, आप देख सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन बना रखी है। ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं ये लेवल से 2013 से लेकर जो लोज हैं उन लोज को मैंने मिलाया तो मेरे को एक ट्रेंड लाइन पता चली, जो 6 साल का लो था उस पर मुझे एक ट्रेंड लाइन पता चली कि जो सपोर्ट आ रहा है 10,450 से लेके
10,500 का लेवल। गाइस मैं एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ कि 10,400 से 10,500 के अंदर अंदर तक निफ्टी जा सकता है और उसके आसपास जाके सपोर्ट ले सकता है। गाइस वहाँ पर मुझे उम्मीद लग रही है कि निफ्टी वहाँ जाके एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। सो ये पैटर्न, ये जो लेवल आपको बताया गया है, ये लेवल आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये ही लेवल है जो आपको बाय और सेल की अपॉर्चुनिटी दे सकता है और आपको हायर प्रॉफिट कमा के दे सकता है। जैसे अगर 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाने में वो बंद होने में कामयाब रहा, तो वहाँ से आपको 300 से 400 पॉइंट तक की एक मूवमेंट मिल सकती है, या फिर अगर वो नीचे बंद होने में कामयाब रहा तो वहाँ से भी आपको 300 से 350 पॉइंट तक की एक मूवमेंट मिल सकती है। तो निफ्टी में आपको अच्छे खासे पैसे कमाने का मौका मिल सकता है। इन लेवल्स को ध्यान ज़रूर रखिएगा, तभी ट्रेड करिएगा गाइस, वरना आपको लॉस हो सकता है अगर आप इन ट्रेड्स के ऊपर ना चलिए। दूसरी बात, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपकी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी यहाँ पर, कि निफ्टी ने जो ट्रेंड लाइन का ब्रेक इवन कर दिया था और उसके नीचे जाके बंद होने में कामयाब रहा, उसी हिसाब से बैंक निफ्टी ने अपना ब्रेक इवन लेवल अभी ब्रेक नहीं करा है। जो नीचे सपोर्ट था उसे ब्रेक नहीं करा है। गाइज अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको कह दिया था, मैंने आपको उसी टाइम कह दिया था कि निफ्टी अपने प्रीवियस लो यानी कि 10,700 तक आ सकता है, एक या दो दिन में आ जाएगा, और बैंक निफ्टी भी अपने इस प्रीवियस सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे आ सकता है, एक या दो दिन लगेंगे तो आ जाएगा। पर हमने देखा कि आज के आज ही ट्रेडिंग सेशन पे आ गया। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिए, आपको अच्छे से मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी को डेप्थ एनालिसिस करके समझा रखा है, आपको वहाँ पर भी पता चल जाएगा। इसमें मैं आपको सिर्फ ब्रेक और मेक इन इवन लेवल बता रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक पैटर्न बना हुआ है, इसे भी मैं आली चार्ट पे लेकर जाता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या बता रहा हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक पैटर्न बना हुआ है, इस रेंज के अंदर ही पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और अब इसके अंदर एक पैटर्न बना है, वो हम कह नहीं सकते कि क्लियर पैटर्न है, पर एक हम कह सकते हैं कि एक तरीके का पैटर्न में हम एक सजेस्ट करके चल सकते हैं कि ये पैटर्न बन सकता है क्या। अब आप देख सकते हैं, पहली बार निफ्टी ऊपर से नीचे आया, दूसरी बार ऊपर गया फिर नीचे आया, तीसरी बार ऊपर गया, इस रेंज को जो इस सपोर्ट की रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक करा और दोबारा नीचे आ गया। अब दोबारा नीचे आकर ये और नीचे जाएगा। इस पैटर्न को कहते हैं बियरिश वुल्फ वेव पैटर्न। बियरिश वुल्फ वेव पैटर्न का मतलब ये होता है कि जो फोर्थ वेव होती है, यानी कि पहली वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स एज रेंज के अंदर काम करेगा, और जो रेंज की जो फोर्थ वेव होगी वो उस रेंज को तोड़ देगी। तोड़ने के बाद एक फॉल्स ब्रेकआउट होगा, वो एक इन द सेंस ये फॉल्स ब्रेकआउट था, और उसके बाद वो नीचे आ जाएगा रेंज के अंदर और दूसरी साइड की तरफ तोड़ते हुए चला जाएगा। तो गाइज वही हुआ, फोर्थ वेव अपर साइड में दिया, रेंज को तोड़ा, फॉल्स ब्रेकआउट था, नीचे आया, अब इस रेंज को तोड़ दिया, अब हम और नीचे के लेवल्स एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सो मुझे लगता है यहाँ पर एक लोअर लेवल्स बैंक निफ्टी भी दिखा सकता है। अगर ये 26,700 के लेवल को होल्ड करने में कामयाब रहा तो हम देख सकते हैं कि एक अपमूव आ जाएगी, वरना तो गाइस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक डाउनफॉल और आ सकती है। दूसरी बात, इस पर भी मैं आपके लिए वीकली चार्ट ओपन कर देता हूँ, वीकली चार्ट पे आपको भी मैं इस पर पैटर्न दिखा देता हूँ। तो गाइस अब आप देख सकते हैं, मैं इस पर भी सारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हटा देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो। जी गाइस, तो इस पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हुआ। जी गाइस आप देखिए, यहाँ से ये 4 से 5 हफ्ते का कंसोलिडेशन लेवल है जो कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज के अंदर, 100 दिन का और 50 दिन के मूविंग एवरेज में लेवल को ब्रेक करा। वीकली चार्ट पे मैं बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी ने 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर शैडो छोड़ी, इस पूरे हफ्ते के अंदर उसने 100 दिन के मूविंग एवरेज को भी तोड़ा, शैडो छोड़ी पर उसके ऊपर जाने में कामयाब होने में क्लोजिंग देने में कोशिश कर ली। यहाँ पर भी सेम हाल, यहाँ पर भी सेम हाल, इधर भी। और अब आप देख सकते हैं जिस तरीके से निफ्टी वीक है उस तरीके से बैंक निफ्टी वीक नहीं है। अब बैंक निफ्टी का जो लेवल है, जो 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो दिखा रहा है कि 26,900 का लेवल। अगर कल बैंक निफ्टी 26,900 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है गाइस, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक अपसाइड और आ सकती है। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाए, यानी कि 26,900 के नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है,
सो गाइज वहां से हम एक करेक्शन बैंक निफ्टी के अंदर भी देख सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस लेवल के नीचे ही वो कंसोलिडेट कब से कर रहा है, तो हम एक लेवल यहाँ पर भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इस पर भी अगर हम एक टारगेट फाइंड करने की कोशिश करें लोअर साइड पे, तो लोअर साइड पे भी मैंने एक टारगेट फाइंड करा है जी गाइस, जो हमें दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी को वो कहाँ तक लेकर जा सकता है। बैंक निफ्टी को वो लेकर जा सकता है एग्जैक्ट 26,000 के लेवल तक। अब आप देख सकते हैं गाइस, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 26,900 के ऊपर क्लोजिंग कल दे दे, बाय पोजीशन बनाइए। टारगेट क्या होगा, मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ, वो होगा 28,200 का लेवल। अगर आप 26,900 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो वहाँ से सीधा 26,000 का लेवल है। इस बात को ध्यान रखिए गाइस, इंपॉर्टेंट लेवल है, इतने टाइम का कंसोलिडेशन है, इतने टाइम का ये कंसोलिडेट कर रहा है, और कहीं पर भी वो तोड़ेगा, कोई भी नीचे या ऊपर की साइड तोड़ेगा तो हम बहुत तेजी से मूवमेंट देख सकते हैं और बहुत शार्प मूवमेंट देख सकते हैं, वही निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिए, फोकस रखिए गाइस, किस तरीके से कल ट्रेड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने, कल का डे होने वाला है, किस तरीके से हमें काम करके चलना है वो कल ही पता चलेगा गाइस। दूसरी बात, कल कौन से स्टॉक्स है जिस पर हमें परफॉर्म करके चलना है, कल कौन से स्टॉक्स है जिस पर आप पैसा कमा सकते हो। हो सकता है कि कल नीचे जाने की कोशिश करें फिर एक रिकवरी आ जाए, या रिकवरी या दोबारा नीचे आ जाए, तो ये जो वॉलीटिलिटी कल रहने वाली है, जो आज वॉलीटिलिटी रही थी, कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, उस स्टॉक्स की भी वीडियो इस आधे घंटे या 1 घंटे में अपलोड हो जाएगी। इस वीडियो के बाद आज की दिन ही वीडियो की अपलोडिंग हो जाएगी, तो जाके मेरे चैनल को यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको आइकन शो कर रहा होगा, आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आएगा, दबाइए। साइड में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, आपको मेरी वीडियो का अपडेट आएगा, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए वीडियो के साइड में शो कर रहा है यूट्यूब का आइकन, जाके क्लिक करिए, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका ओपिनियन क्या कहता है, कि ऊपर की साइड जाएगा या नीचे की तरफ क्लोजिंग देने में कामयाब होगा, तो मैं आपके रिप्लाईज ज़रूर करूंगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड अप करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, और गाइज मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। मैं शिवांश भसीन, साइनिंग ऑफ।